हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक सेकंड होम वीकेंड प्रॉपर्टी, और ये है इगतपुरी में, और ये बिल्कुल ही रोड टच प्रॉपर्टी है। अगर आप देखोगे तो मैं ये मेन रोड पे खड़ा हूँ, और ये सामने जो दिख रहा है ये है हमारा कॉम्प्लेक्स। टोटल 14 एकर्स का टाउनशिप है, जहाँ पे आपको फ्लैट्स भी आने वाले हैं और रो हाउसेस भी आने वाले हैं। तो गाइज, इसके पहले कि हम ये प्रॉपर्टी आगे एक्सप्लोर करें, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर कीजिए। आप देख सकते हो ये एक रेडी सेटअप है। यहाँ पे है सेल्स ऑफिस, अभी मैं आपको लेके चलने वाला हूँ सेल्स ऑफिस के सामने। और ये सेल्स ऑफिस पूरा डिमोलिश होके यहाँ पे आने वाला है कमर्शियल बिल्डिंग, जहाँ पे आपको शॉप्स, हाई एंड शॉपिंग, ये सारी फैसिलिटीज़ डेवलपर यहाँ पे आपको बना के देने वाले हैं। तो यहाँ पे आने वाला है पूरा कमर्शियल सेटअप, और ये है अब जो एंट्री है हमारे प्रोजेक्ट का। आप देख सकते हो सर्वप्रथम पाम हिल्स, ये अपने प्रोजेक्ट का नाम है, और यहाँ से आएगा एंट्री अपने रो हाउसेस का। और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ रेडी रो हाउसेस ओसी के साथ में। फर्स्ट फेज के रो हाउसेस ऑलरेडी रेडी है, और आगे जो आने वाला है वो आने वाला है टोटल 84 रो हाउसेज आपको यहाँ पे आने वाले हैं। 84 रो हाउसेज आएंगे, और ये पूरा एक टाउनशिप होगा, गेटेड कम्युनिटी होगा। यहाँ पे एश्योर्ड रेंटल बिल्डर के द्वारा आपको दिया जा रहा है, और यहाँ पे कुछ फ्लैट्स भी है, बिल्डिंग्स भी है, जहाँ पे 1 RK, 1 BHK, 2 BHK के अपार्टमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। और ये हम आ चुके हैं जो रो हाउसेज है उसके सेटअप पे। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये सेटअप है अपने रो हाउसेस का। स्पैनिश थीम के ऊपर ये बनाया गया है रो हाउसेस, और आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुली डिज़ाइन किया गया है। ये रो हाउसेस आने वाला है आपको जकूजी पूल के साथ में। तो इसको लेते हो तो आप वीकेंड पे यहाँ आके अपने फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो, या एयरबीएनबी में इसे दे सकते हो। तो ये इनकम का एक अच्छा सोर्स भी बन सकता है, और अगर आप अपना खुद का एक गेटअवे वीकेंड होम देख रहे हो तो उसके लिए भी कम्प्लीटली एप्ट प्रोडक्ट है ये आपके लिए। तो अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ ये पर्टिकुलर रो हाउस। आप देख सकते हो ये है रेडी, ऊपर आपको काफ़ी एक बड़ा सा बालकनी मिल जाता है, और सामने आपको राइट साइड में मिलता है एक लॉन एरिया, और लेफ्ट साइड का जो एरिया दिख रहा है ये है आपका पार्किंग स्पेस। तो यहाँ पे एक बड़े से बड़ा SUV भी आप इजीली खड़ी कर सकते हो। तो ये ऐसा ही बिल्कुल डिज़ाइन करके आपको मिलने वाला है। अभी जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ रो हाउस, उसमें फर्नीचर भी है, बट आपके रो हाउस में जो आपको मिलेगा वो मिलेगा विथ मॉड्यूलर किचन। बाकी जो फर्नीचर आपको दिख रहा है ये फर्नीचर आपको नहीं मिलने वाला है। यहाँ से जो आप फर्नीचर आप देखोगे उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आप फर्नीचर सेटअप करने के बाद कितना स्पेस आपका बचता है आपके रो हाउस में। तो आप देख सकते हो हाइट भी काफ़ी अच्छी दी गई है यहाँ पे, और राइट साइड में आपका पूरा सोफ़ा सेटअप दिया गया है, और लेफ्ट साइड में है आपका TV यूनिट, और सामने आपको दिख रहा है आपका जकूजी पूल। तो ये जो कारपेट एरिया है इस पर्टिकुलर रो हाउस का, ये आता है 1250 का कारपेट एरिया। ये है यूजेबल कारपेट एरिया इंक्लूडिंग टेरेस। अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये है एक 2 BHK रो हाउस, बट अगर आपको इसको 3 BHK में कन्वर्ट करना है तो आप टेरेस पे भी एक रूम बना के इसको 3 BHK का रो हाउस में कन्वर्ट कर सकते हो। और ये आ गया है आपका पूल, आप देख सकते हो ये चारों तरफ से कवर्ड है, ऊपर से कवर्ड नहीं होगा, तो अगर आपको शेड लगाना है ऊपर से तो आप लगा सकते हो। ये ब्यूटीफुली डिज़ाइन जकूजी पूल आपको मिलता है इस पर्टिकुलर रो हाउस के साथ में, आप देख सकते हो। सामने आपको दिख रहा है वो है आपका एंट्री, और राइट साइड में आपका TV यूनिट है, फॉल सीलिंग बनाया हुआ है, लेफ्ट साइड में आपका सोफा सेटअप आ जाता है। ये गेटेड कम्युनिटी है, 3-tier सिक्योरिटी इसमें मिलेगी आपको, तो सिक्योरिटी के बारे में कोई भी चिंता करने की आपको ज़रूरत नहीं है।
अब हम चलते हैं और चेक करते हैं इसका किचन एरिया। किचन जो है वो आता है सिंगल प्लेटफॉर्म के साथ में, एल शेप प्लेटफॉर्म के साथ में आता है एक्चुअली, और किचन के साथ ही आपको डाइनिंग एरिया भी एक छोटा सा सेटअप करके दिया गया है, तो आप अपने हिसाब से उसको डिजाइन कर सकते हो। सामने आपको जो दिख रहा है ये है आपका कॉमन वॉशरूम, जो हो जाएगा आपका गेस्ट वॉशरूम। इसका भी जो स्पेस है काफी अच्छा दिया गया है। ये आएगा आपको ब्रांडेड फिटिंग के साथ में। अभी हम चलते हैं और चेक करते हैं अपना किचन एरिया। लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो ये है स्टेयरकेस जो आपको लेके जाता है ऊपर की फ्लोर की तरफ। सामने आपको एक छोटा सा डाइनिंग सेटअप बना के दिखाया गया है कि कैसा आप अपना डाइनिंग सेटअप इसमें लगा सकते हो। और राइट साइड में आपको दिख रहा है ये है आपका किचन, तो आप देख सकते हो किचन आता है आपको एल शेप्ड प्लेटफॉर्म के साथ में, और ये जैसा मॉड्यूलर किचन आपको दिख रहा है वैसा ही मॉड्यूलर किचन आपको बना के दिया जाएगा। ऊपर भी आपको स्टोरेज है और नीचे भी आपको पूरा स्टोरेज बना के दिया गया है यहाँ पे। अभी हम चलते हैं ऊपर की तरफ और चेक करते हैं कि फर्स्ट फ्लोर पे आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट फ्लोर पे आपको दिया गया है दो बेडरूम, जो ये 2 BHK का रो हाउस है, तो उसके दोनों बेडरूम है आपके फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये देखिए राइट साइड में जो है पहला बेडरूम है और लेफ्ट साइड में दूसरा बेडरूम है। हम चेक करते हैं इस पर्टिकुलर बेडरूम को, तो बेडरूम का साइज जो है वो काफ़ी अच्छा दिया गया है, और इस पर्टिकुलर जो बेडरूम है उसके साथ ही अटैच्ड आपको आता है काफ़ी बड़ा बालकनी। तो आप देख सकते हो इस पर्टिकुलर बेडरूम को कितने ब्यूटिफुली डिज़ाइन किया गया है। तो आपको भी ऑप्शन है, अगर आपको डिज़ाइन करना है तो इसी तरह से आप अपना डिज़ाइन कर सकते हो। राइट साइड में एक छोटा सा आपको वर्क टेबल भी बना के दिया गया है यहाँ पे, आप देख सकते हो ये राइट साइड में आपको स्टडी टेबल या वर्क स्टेशन, इसको जैसे चाहे आप यूज़ कर सकते हो। और ये है आपका काफ़ी बड़ा बालकनी जो आपको मिल रहा है इस पर्टिकुलर अपार्टमेंट के साथ में। तो हम चेक करते हैं साइज़ बालकनी की अभी, तो आप देख सकते हो ब्यूटीफुल व्यू तो आपको मिलता ही है, बट बालकनी का साइज भी आपको जो मिलता है वो काफ़ी बढ़िया दिया गया है यहाँ पे। ये आप देख सकते हो काफ़ी बढ़िया साइज की बालकनी है। गाइज ये पर्टिकुलर विला 1250 का इसका यूजेबल कारपेट है, ये आपको मैं देने वाला हूँ सिर्फ 72 लाख ऑल इंक्लूसिव प्राइजिंग में। तो इसमें आपका टैक्सेस भी आ गया और सारे अदर चार्जेस भी कवर हो जाते हैं, आपको कोई ब्रोकरेज देने की इसमें ज़रूरत नहीं है। और ये लोकेशन है इगतपुरी में, काफ़ी ब्यूटीफुल लोकेशन है। आपको पिकअप अरेंज हो जाएगा इगतपुरी स्टेशन से या कसारा स्टेशन से, जहाँ से भी आप आना चाहते हो एक दिन पहले अपॉइंटमेंट लेके आप आ सकते हो अपने साइट पे। कसारा स्टेशन और इगतपुरी स्टेशन, ये दोनों स्टेशन से हमारा पिकअप आपको मिल जाएगा, बट आपको एक दिन पहले एडवांस में अपॉइंटमेंट लेके आना पड़ेगा, तो उस हिसाब से हम आपका पिकअप अरेंज करवा सकते हैं। अभी ये हम देखते हैं इस पर्टिकुलर बेडरूम का, अगर आप देखोगे सामने दिख रहा है आपको वॉशरूम, कबर्ड के लिए भी स्पेस है, कबर्ड बनाने के बाद भी अच्छा खासा स्पेस आपका बचता है यहाँ पे। तो इसका जो रूम साइज है वो काफ़ी बढ़िया दिया गया है।
अभी हम चेक करते हैं अपना सेकेंड बेडरूम। सेकेंड बेडरूम का भी साइज काफी अच्छा दिया गया है, बट इसमें कोई अटैच्ड बालकनी आपको नहीं मिलेगी, और दोनों बेडरूम में आपको मिलता है अटैच्ड टॉयलेट। तो दोनों जो बेडरूम है आपका मास्टर बेडरूम है। अभी हम चलते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट पे इस पर्टिकुलर रो हाउस के, वो है इसका टेरेस। तो टेरेस भी काफ़ी बड़ा है, जहाँ पे आप अपना बारबेक्यू पार्टी या आपको जिस तरह की पार्टी करनी है उस तरह की पार्टी वहाँ पे आप कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी बड़ा स्पेस दिया गया है। और अगर आप चाहो तो यहाँ पे एक एडिशनल बेडरूम भी बना सकते हो, तो आप अपना 2 BHK रो हाउस जो है इसको 3 BHK में भी कन्वर्ट कर सकते हो। तो कैसे करना है, क्या परमिटेशन कॉम्बिनेशन अवेलेबल है, ये तो हम आपको साइट पे ही बता सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये पर्टिकुलर वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइए, और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो मेरा नंबर जो है आपको स्क्रीन पे दिख जाएगा, आप कॉल कीजिए। साइट विजिट करना है, कोई और डिटेल आपको चाहिए, प्राइसिंग के बारे में आपको जानना है, तो आप मुझे कॉल कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।